हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफ कोर्स विक्की और आप देख रहे हैं टेक टू एडवांस नई वीडियो के साथ। ये सब सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में अपलोड वाले थंबल देख लिया ही होगा, पता चल गया होगा कि आपके आज किस पे वीडियो शूट करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है, हम अपने वीडियो आज बनाने वाले हैं आपकी एंड्रॉइड पाई आने के बाद हमारे रेडमी 6 प्रो के अंदर में। अब हम चेक करेंगे आज ड्यूल पोल्टी के बारे में। एक वीडियो हमने पहले बनाई थी ऑलरेडी, उससे सिर्फ आपको हमने देखा था ड्यूल 4G का आपको जो ऑप्शन था वो आपके रेडमी 6 प्रो में रेडमी पाई का अपडेट आने का धो मिल गया है। आज हम पूरा ही इसे टेस्ट करें कि आपके रेडमी 6 प्रो के अंदर में एंड्रॉइड पाई आने के बाद ड्यूल पोल्टी चलता है। ड्यूल पोल्टी मतलब जियो प्लस हम वोडा एयरटेल सब आपको चेक करके आपके फोन में देखाएंगे कितनी स्पीड देता है और क्या है कुछ इंक्रीज स्पीड आती है और क्या आपके वॉइस ओवर में कितना अच्छा अच्छा सिग्नल वगैरह पकड़ता है। तो सारी वीडियो को हम करेंगे इस वीडियो के अंदर में ही। तो दोस्त अभी के जो चैनल हमारे जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो टेक्निक सबसे पहले आप लोगों को मिल सके इस प्रो से रिलेटेड। दोस्तों ना समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आप लोग उम्मीद है कि मेरे को आप Redmi 6 Pro आपका जो डिवाइस है तो आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे होंगे रेगुलर, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है, अगर मैं बताता था कि आपको पीछे की रेडमी 6 प्रो के अंदर ड्यूल वोल्टेज चेक करने वाले, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपने देखा है कि मैंने इस सिम जैकेट 2 पहले निकाल लिया और यहाँ पर 2 जियो सिम है हमारे पास। तो हम जल्दी से अपने सिम को लगा के देखते हैं कि ड्यूल वोल्टेज वर्क करता है कि नहीं करता है, साथ ही तो आप बहुत सारी चीज़ चेक करेंगे। तो देखते हैं, तो हमने लगा दी पहले नंबर में भी जियो। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ में लगा दिया आपकी जियो। अभी जैक सिम टिम करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अब चेक करते हैं हमारे ड्यूल वोल्टेज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग की तरफ में। हम चलते हैं आपके सिम कार्ड एंड नेटवर्क। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर आपको फ्रंट पे देख रहा होगा दोनों पे आपको जियो 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 देखने के बाद आपको हम पहले करते हैं टैप जियो पहले आता। दोस्तों जैसे कि जियो और जियो दोनों का नेटवर्क आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि आपका ड्यूल 4G वर्क कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो पहले क्या, अगर आपके इसके साथ जियो प्लस का कोई भी एक सिम लगा के रखते थे आपको उसको ड्यूल 4G वर्क नेटवर्क चाहिए होता तभी आप वर्क कर पाते थे, तो नहीं होता था। सारे ड्यूल वोल्टी लगाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ एक तरह का, पहले आपको सिर्फ एक जियो होता था, दूसरा कुछ लगाने पे आपको ऑप्शन नहीं आता। फिर तो हमने ऑन कर लिया अपने दोनों जियो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों जियो लगाने पर नेटवर्क भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हमने इसे कर दिया है ऑन। साथ ही साथ अगर आप यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग वोल्टी कॉल ऑन द सेकंड सिम में भी चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, तो अब दोनों पे ही आपके वोल्टी कॉल्स वगैरह आएंगे और दोनों ही आपके मोबाइल डाटा भी यूज कर सकते हो आपके दोनों सिम से, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जैसे आप देखते दोनों पर मैसेज भी आने लगे, APN सेट कर लो, बाकी जो आते हैं तो वही, बाकी आपकी इच्छा है इंटरनेट वगैरह जिसको चूज करोगे तो उस हिसाब का नेट चले और आपकी कॉल लगे, दोनों ही जियो हमारे वोल्टी वर्क कर रहा है साथ में। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों, काफ़ी दिन से Redmi 6 Pro की वजह से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हमारे Redmi 6 Pro के अंदर ड्यूल वोल्टेज वर्क कब करेगा, क्योंकि ऐसी हमारा Redmi MI का ही 1 था जो इसमें 625 का प्रोसेसर लगा, उसमें भी उसमें काफ़ी दिन पहले ही आ चुका था Android Pi का अपडेट, तो उसमें के हिसाब से लगाया जाता है उम्मीद कि हमारे Redmi 6 Pro के अंदर में भी कि शायद आपको ड्यूल वोल्टेज वर्क करेगा। देखो अब इस तरह आप दूसरी उम्मीदें भी लगा रहे हैं, Y2 जो बचा हुआ है हमारा उसमें शायद आपको ड्यूल वोल्टेज वर्क सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी चिपसेट 25 का ही लगा हुआ है, उसमें पाई आने वाला बहुत जल्दी वाला अपडेट है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आपके वोडा लगा के और प्लस आपके जियो लगा, दोनों हम जियो तो लगा के देख लिए हैं, अभी से दिखाएंगे आपको वोडा और आपका जियो लगा के। तो दोस्तों चलो और दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों अपनी जियो हमने निकाल दी है, तो हम एक जियो हटा देते हैं और हम दूसरी वोडाफोन की सिम लगाते हैं साथ ही में, एक जियो और एक वोडा यूज करेंगे अब। पर तो भी मैं प्रेफर करूंगा जो आपकी सिम 1 में यूज करते थे वोडा और मतलब जो भी आप जियो यूज करते थे, जो दोनों में अगर जियो यूज करना चाहते दोनों ट्रे में 1 और 2 में, पर जो आपका मैन्युअली नंबर 1 में आप लगाते जियो उसी को लगा रखें तो काफ़ी सही रहेगी, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पर उसी में लगा रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने आप यूज़ कर रहे हैं आपके दोनों एक वोडा और आपका एक जियो, तो इसका देखते हैं क्या हाल नेटवर्क आता है।
जैसे दोस्तों देख सकते हैं दोनों सिम हमारी आ गई है, वोडाफोन इन और आपका जियो। तो हम हल्का सा इसको नीचे करते ही वो तो 3G चलने लग गया, तो हम इसके अगर यहाँ पर नेटवर्क पे जाते हैं, इसका हमने वोल्टी इनेबल कर रखा ऑलरेडी और एक्सेस पॉइंट नेम में यहाँ पे ऑलरेडी ले लेगा। हम यहाँ पे प्रीपेड LD कर देते हैं जिससे कि दोनों ही हमारे फोन में आपके 4G वर्क करेगा। एनेबल कर रखा है, आप देख सकते हैं वोल्टी एनेबल्ड है आपका वोडाफोन वाले सिम में। तो इससे क्या है दोस्तों कि आप दोनों चीज़ चलाओगे काफ़ी प्रॉपर दोनों ही सिम में चलेगी आपका। हमने जियो जियो चला के दिखा दिया आपको, अब जियो प्लस आपका वोडाफोन में चला के दोनों ही आपका 4G में वर्क करेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपका जियो जियो दोनों सिम में चल रहा है तो आपका 4G ड्यूल वर्क चल ही रहा है और आपका वोल्टी सपोर्ट के साथ में, जो कि इस वीडियो की जो मेन मकसद था बनाने को हमारा कंप्लीट हो चुका है मिशन। तो दोस्तों आई होप से कि दोस्तों आप लोगों को जो मैं वीडियो बनाया आपके लिए रिलेटेड काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों रिलेटेड वीडियो बनाने में दोस्तों क्या होता है कि आप बाकी चीज़ छोटे छोटे समय में कवर हो जाती है सारी वीडियो और एकदम डिटेल्स पता चलती है क्या क्या चीज़ किस में आपको प्रॉब्लम मिलने वाला है आपको ये अपडेट के साथ में क्या फीचर आपको दिया गया है। ये एक रिलेटेड वीडियो होती है अच्छे अच्छे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आई होप सो डैट दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा चैनल पर, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी और मोटिवेट मिलता है। बस दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो में देखने के लिए इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और बताइए आप अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें फुल नॉच वगैरह के लिए जो वीडियो आएगी अब वो हम फुल व्यू पर चलाने वाले हैं, नॉच के में हमें क्या क्या इफेक्ट मिलता है न्यू फीचर आपके पाई आने के बाद M6 प्रो के अंदर में। तो दोस्तों आई होप सो डैट आपको वीडियो बनाइए काफ़ी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों अभी कभी चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की टेक्स्ट पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।